मनीषा चोला, सीएम इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। दौरे के बाद सीएम योगी केजीएमसी हॉस्पिटल पहुंचे और एसिड अटैक पीड़िता से मिले। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता का मुफ्त इलाज करवाने का आदेश दिया, वहीं 1,00,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को गोरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वाले और मॉरल पुलिसिंग करने वाले तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। बता दें, मुख्यमंत्री ने ये निर्देश हाथरस जिले में मीट की दुकानों को आग लगाए जाने की घटना के बाद दिया। ईवीएम में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बता दें, कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर बयानबाजी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई की। वहीं याचिका में कहा गया कि मशीनों की अमेरिका के एक्सपर्ट से जांच कराई जाए। एयर इंडिया के एक स्टाफ से मारपीट करने वाले शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ की मुश्किलें बढ़ी। एयर इंडिया ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराने के साथ ही भविष्य में उनके हवाई सफर करने पर भी बैन लगा दिया। बता दें कि गायकवाड़ पर आरोप है कि उसने एयर इंडिया के एक 60 वर्षीय कर्मचारी को चप्पलों से पीटा। ताज कॉरिडोर घोटाले की जांच में उपलब्ध सबूतों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ नए सिरे से सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टल गई है। बता दें, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर जारी तनाव के बीच साफ कहा कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और उसे खाली कराना ही होगा। योगी के तीखे तेवर से दागी पुलिस कर्मियों में हड़कंप। बता दें, योगी राज में अब तक 100 से ज्यादा दागी पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी गाजियाबाद और नोएडा में सस्पेंड हुए हैं। भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के बड़का लोहार निवासी आरपीएफ के हाजीपुर कमांडेंट शेषनाथ सिंह की पत्नी, इंस्पेक्टर, पुत्र और बहू नाती नातिनी का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। बता दें, बंगाल के वर्धमान में हुए एक सड़क हादसे में इन 7 लोगों की जान चली गई थी। संदेश थाना क्षेत्र के बाजार में 2 चचेरे भाइयों में चले जबरदस्त गडासी और लाठी डंडे, जिसमें एक शख्स रामजी लाल सहित कई लोगों के घायल होने की खबर है। नवादा थाना क्षेत्र के न्यू पुलिस लाइन संकट मोचन नगर में शराब के नशे में धुत शराबियों ने पहले जय किशोर सिंह के पुत्र योगेश को पीटा, फिर पैर में गोली मार दी। जख्मी योगेश को सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। चांदी थाना के रुपचकिया गांव में एक महिला के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले 2 सगे भाइयों ने छेड़खानी का प्रयास किया। महिला ने इसका विरोध करते हुए हल्ला मचाना शुरू किया तो दोनों भाइयों ने टांगी और सांबल से मार कर जख्मी कर दिया। इधर जख्मी महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया। विधायक अनवर आलम के क्षेत्र में उनके ही काम की खुली पोल। बता दें, 1910 में बने ये लकड़ी का पुल किसी भी समय टूट सकता है। वहीं प्रशासन से लेकर नेताओं का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। साथ ही दिलचस्प बात यह है कि इसी रास्ते से एमएलए आलम अपनी ससुराल जाते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान माइकल क्लार्क ने फेसबुक पेज पर लिखा कि अगर कप्तान स्टीवन स्मिथ स्पिन गेंदबाजी विकल्प के तौर पर मैक्सवेल को नहीं चुनते तो उनका ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में स्थान बनाना मुश्किल है। हिमेश रेशमिया ने 5 साल के बच्चे जयेश को गाने के लिए किया साइन। वहीं जयेश की मां ने कहा, जयेश के पास एक असाधारण तेज दिमाग है, वो किसी भी गाने के लिरिक्स 3 से 4 दिन सुनने के बाद याद कर लेता है। छावनी के वार हीरोज स्टेडियम में आयोजित 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि वाले भारत केसरी दंगल में हरियाणा के पहलवानों ने अपना दबदबा कायम रखा। जी हां, 3 दिवसीय दंगल के फाइनल मुकाबले बीते दिन खेले गए, जहां लड़कियों के वर्ग में हरियाणा की फोगाट बहनों रितु और विनेश का जलवा बरकरार रहा। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी।